प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सत्यवीर बेड़ा आधार क्लास से झुंझुनू की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि अभी सुनने में आ रहा है कि नेक्स्ट मंथ के अंदर बहुत सारी वैकेंसी जाने वाली है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, सेकेंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो। तो प्यारे बच्चों मैं यही कहना चाह रहा हूं कि पूरी मेहनत के साथ पढ़ाई में जुड़ जाओ, जिससे 2024-25 का जो वर्ष है उसको अपने को गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करने वाले वर्ष के रूप में मनाना है। और आप लोगों की बेहद मांग पर हमने टेस्ट सीरीज शुरू किया है। अभी जो टेस्ट सीरीज शुरू किया है वो सेकेंड ग्रेड के लिए किया है, इसके बाद में अपन फर्स्ट ग्रेड के लिए भी टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे। सेकेंड ग्रेड का जो टेस्ट सीरीज है इसके अंदर अपने 20 माइनर टेस्ट रखे जो कि केवल ऑनलाइन मोड पे होंगे और प्रत्येक टेस्ट के अंदर 50 क्वेश्चन होंगे। 4 मेजर टेस्ट होंगे जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होंगे, उनके अंदर 100 क्वेश्चन होंगे, केवल मैथ्स के क्वेश्चन होंगे। उसके बाद में 3 फाइनल टेस्ट होंगे जिनके अंदर 120 क्वेश्चन मैथ्स के आएंगे और 30 क्वेश्चन टीचिंग मेथड के आएंगे। 120 क्वेश्चन मैथ्स के होंगे और 30 क्वेश्चन टीचिंग मेथड के होंगे। ये जो टेस्ट होंगे वो ऑनलाइन भी होंगे, ऑफलाइन भी होंगे। आधार क्लासेज के जो ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टूडेंट है उनके लिए टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री रहेगा, बाकी जो दूसरे स्टूडेंट है उनके लिए थोड़ा बहुत जो मिनिमम चार्ज है उसके साथ में इस टेस्ट सीरीज को वो ज्वाइन कर सकता है। टेस्ट सीरीज का जो कार्यक्रम है वो मैं इस तरीके से है, 3 जुलाई को अपना जो टेस्ट होगा ऑनलाइन टेस्ट होगा उसके अंदर 10th का सिलेबस रहेगा। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको नीचे लिंक के अंदर मिल जाएगी। पहला जो टेस्ट है वो अपना 3 जुलाई को है जिसके अंदर 10th का सिलेबस होगा। 7 जुलाई को सेकेंड टेस्ट होगा जिसके अंदर त्रिकोणमिति का जो पार्ट होता है वो होगा। 14 जुलाई को तीसरा टेस्ट होगा जिसके अंदर अपना द्विघात समीकरण एलजेब्रा वाला जो पार्ट है, वैसे भी अगर अपन देखें तो 10+2 का जो पार्ट है उसमें एलजेब्रा है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसको अपने 2-3 भागों में डिवाइड किया है। द्विघात समीकरण है, श्रेणी है, द्विपद प्रमेय, इसका एक टेस्ट अपन लेंगे। उसके बाद में कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, सेट, रिलेशन, फंक्शन हो गया, इसका जो टेस्ट होगा वो 21 जुलाई को। उसके बाद में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेट है, इसका जो टेस्ट होगा वो 28 जुलाई को होगा। इसके बाद में इन सभी का एक साथ टेस्ट होगा जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होगा, जो कि 4 अगस्त को होगा। मेजर टेस्ट होगा जिसके अंदर ये पूरा सिलेबस आएगा। उसके बाद में 11 अगस्त को जो टेस्ट होगा उसके अंदर आएगा लिमिट, कंटिन्यूटी, अवकलनीयता और अवकलन आएगा। जो अपना अवकलन गणित का जो पार्ट है उसको अपने 2 भागों में डिवाइड किए हैं तो जिससे अच्छी तरीके से तैयारी हो सके। अवकलन गणित के 2 पार्ट होंगे, उनका टेस्ट इस तरीके से रहेगा। उसके बाद में समाकलन गणित की अगर अपन बात करें तो उसके ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, 2-3 क्वेश्चन वहां से पूछे जाते हैं। समाकलन गणित की अगर अपन बात करें तो अनिश्चित समाकलन हो गया, निश्चित समाकलन हो गया, फिर क्षेत्रकलन हो गया, तो वो ज्यादा बड़ा पार्ट नहीं है इसलिए उसका एक ही टेस्ट रखा है। उसके बाद में अवकलन गणित और समाकलन गणित दोनों का मिला के एक मेजर टेस्ट होगा जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रहेगा। उसके बाद में 2D को भी अपने 2 भागों में डिवाइड किया है। एक टेस्ट होगा उसके अंदर बिंदु होगा, सरल रेखा होगा, वर्त होगा। बिंदु के अगर अपन देखें जैसे विशिष्ट जो ज्यामितीय बिंदु होते हैं जैसे लंब केंद्र हो गया, प्री केंद्र हो गया, उस टाइप का क्वेश्चन आजकल पूछा जाता है तो उस पर विशेष फोकस रखना है। सरलरेखा की अगर अपन बात करें तो सरलरेखा के समीकरण से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर जैसे सरलरेखाओं के प्रतिच्छेदन कोण उससे संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सर्किल की अगर अपन बात करें तो सर्किल की जो विशेष प्रॉपर्टी होती है या जो बेसिक डेफिनेशन होती है उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद में अगर अपन बात करें परवलय की तो परवलय के अंदर जो अभिलंब की प्रॉपर्टीज होती है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होती है वहां से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। परवलय, दीर्घवार, तति परवलय, सांकव का ध्रुवीय समीकरण है वहां से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो पार्ट है इसको भी 2 भागों में डिवाइड किया है, फिर इसका एक साथ एक टेस्ट हो जाएगा जो मेजर टेस्ट होगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट टेस्ट होगा उसके अंदर वेक्टर एलजेब्रा होगी, 3D होगी, क्योंकि वेक्टर एलजेब्रा का जो पार्ट है वो 3D से भी रिलेटेड है या 3D है उसके अंदर वेक्टर एलजेब्रा का भी प्रयोग होता है, तो इन दोनों का टेस्ट है वो एक साथ रखा है। उसके बाद में स्टेटिक्स और प्रोबेबिलिटी वाला जो पार्ट है उसका टेस्ट होगा, फिर इन दोनों का मिला के एक मेजर टेस्ट होगा। उसके बाद में जो अपना बीएससी वाला सिलेबस है उसका टेस्ट होगा। अब जैसा कि आप जानते हैं पीछे जो एग्जाम हुई है, पीछे जो सेकेंड ग्रेड की एग्जाम हुई है वहां पे 81 क्वेश्चन है वो कॉलेज वाले सिलेबस से आए थे, तो इस सिलेबस पे विशेष फोकस आप लोगों को करना है। और इसका जो टेस्ट प्रोग्राम है वो अपने इस तरीके से रखा है, पहले अपना अब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा का टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद में रियल एनालिसिस है, उसका कोई बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है। फिर ज्यादातर अगर अपन देखें तो सीक्वेंस हो गया वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या सीरीज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके साथ में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है उसका भी छोटा ही पार्ट है तो उसको उसके साथ ही रखा गया है।
उसके बाद में अगर अपन देखें तो अवकल गणित है उसका थोड़ा बड़ा पार्ट है, तो अवकल गणित को अपने अकेला रखा है, समाकल गणित है उसका भी थोड़ा बड़ा सिलेबस है तो उसको भी अलग रखा है। इसी प्रकार अवकल समीकरण का टेस्ट होगा, फिर 3D का और वेक्टर कैलकुलस का टेस्ट होगा, LPP और न्यूमेरिकल एनालिसिस का एक साथ टेस्ट होगा, फिर स्टेटिक्स और जो डायनेमिक्स है उसका एक टेस्ट होगा। उसके बाद में अपने तीन फाइनल टेस्ट होंगे जिसके अंदर टीचिंग मेथड भी आएंगे। टीचिंग मेथड वहां पे थोड़े ज्यादा शामिल करेंगे अपन, टीचिंग मेथड के क्वेश्चन है वो थोड़े ज्यादा शामिल करेंगे। ये क्वेश्चन, ये जो पेपर होंगे इनमें 150 क्वेश्चन होंगे और ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में होंगे। इसका जो जो डिटेल सिलेबस है वो आपको आधार क्लासेस झुंझुनू के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, या साथ में इसके साथ में एक लिंक भी होगा जो PDF है उसको लिंक पे अटैच कर दिया गया है, और आधार क्लासेस झुंझुनू का जो अपना ऑनलाइन ऐप है वहां भी सिलेबस को डाल दिया गया है। तो जिस भी स्टूडेंट को ये टेस्ट 3 ज्वाइन करना है वो आधार क्लासेस झुंझुनू का ऐप डाउनलोड कर लेगा और वहां पे इसका पूरा कार्यक्रम और किस तरीके से टेस्ट होगा वो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसका जो PDF सॉल्यूशन है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, और फिर भी अपन कोशिश रहेगी कि कुछ टेस्ट है उनके वीडियो सॉल्यूशन भी अपन उपलब्ध करवा दें। जब भी अपने को टाइम मिलेगा, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है, तो जब भी अपने को टाइम मिलेगा तो कोशिश करेंगे कि इसका वीडियो सॉल्यूशन है वो भी आपको उपलब्ध करवाया जाए। ये जो टेस्ट सीरीज रखी गई है वो इसलिए रखी गई है कि थोड़ा सा आपका पढ़ाई का रूटीन बन जाए। बहुत सारे बच्चों ने अपनी सिलेबस कवर कर लिया है, एक बार इसके साथ साथ आपका रिविजन करें। उसके बाद में अपनी जब वैकेंसी जाएंगी, अभी जो साइंस का डिपार्टमेंट वाली एग्जाम है वो दिसंबर तक है, उसके बाद में जब अपनी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वाली एग्जाम होगी तब अपन एक बार पुनः वापस टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे। तो आशा है ये जो टेस्ट सीरीज है वो आपकी तैयारी को एक प्रॉपर वे देगी और निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा। थैंक यू।